कोरोना केस में जर्मनी फ्रांस से आगे निकला रूस। मॉस्को में 6,703 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में अब तक 39,34,813 केस आए। रूस में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अमेरिका को पीछे छोड़ने पर आमादा है। रूस में जर्मनी और फ्रांस से भी ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है। रूस में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड रफ्तार से इजाफा होने का दौर शुरू हो गया है। कोरोना की इसी रफ्तार की वजह से अब रूस दुनिया के 5 शीर्ष देशों में शुमार हो गया है। जर्मनी या फ्रांस से भी आगे निकल गया है। 5 देशों का कोरोना मीटर। अमेरिका में कोरोना के 12,92,879 मामले। अमेरिका में अब तक कोरोना से 76,942 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के 2,56,855 मामले। स्पेन में कोरोना से अब तक 26,070 लोगों की मौत। इटली में कोरोना के 2,15,858 मरीज। इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 29,958 हुई। यूके में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,06,715 हुई। यूके में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30,000 के पार। रूस में कोरोना के अब तक 1,87,859 केस। रूस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,700 के पार। हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप अभी बढ़ ही रहा है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर पूरी तरह से कोरोना कंट्रोल हो गया हो। केवल चीन ही है जहां पर कोरोना के नए केस आना बंद हो गए हैं, और चीन के वुहान शहर में भी हालात अब एकदम से सामान्य हो चुके हैं। वुहान में सब कुछ सामान्य है, लोग घरों से निकलने लगे हैं, बाजारों में रौनक लौट आई है, सड़कों पर हलचल बढ़ गई है, उद्योग धंधे फिर से फलने फूलने लगे हैं। वहीं इसके ठीक उलट पूरी दुनिया में वीरानी छाई हुई है। अमेरिका में भी हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। इसके बाद भी अमेरिका में लॉकडाउन में छूट देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जाहिर है विकसित देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में अभी अर्थव्यवस्था से ज्यादा लोगों की जान की चिंता करना जरूरी है।